यदि आपके चैनल पे अभी तक इन स्ट्रीम एड्स नहीं आया तो ध्यान आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके चैनल पे इन स्ट्रीम एड्स एलिजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानना है कि इन स्ट्रीम एड्स होता क्या है और इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे आपको एक एड्स आया होगा, तो ये YouTube की तरफ से आता है। इसी तरह Facebook में भी एड आता है। जब आप वीडियो को ओपन कीजिएगा उस समय में एड रहेगा, लेकिन 2-3 मिनट वीडियो चलने के बाद तो उस पे एड्स आता है, उससे जो रेवेन्यू होता है उससे आपको पैसा मिलता है। तो यही होता है इन स्ट्रीम एड और इससे आप पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, अपने Facebook प्रोफाइल पे आना है, वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करके और उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी पेज में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको वहां पे मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया जाता है कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे स्टार भी आता होगा, बोनस आता होगा, नो इन स्ट्रीम एड्स आता होगा और लाइव एड्स आता होगा। तो दोस्तों इसमें अभी कोई ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये आपने अभी ही किया है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स आपको पहले बता देते हैं उसके बाद आप इसको एलिजिबल कैसे करना आगे आपको बताएंगे। जैसे आप यहां पर आ गए इसका रूल्स आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहां पर एक रूल्स आपको दिख रहा होगा क्रिएटर सपोर्ट करके यहां पे, तो इस पे आप जैसे हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है कि चैनल मोनेटाइज करना है ना, मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर लेंगे। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी और अभी हम क्या कर रहे हैं इन स्ट्रीम एड्स को एलिजिबल कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं और इन स्ट्रीम एड्स पे जाने के बाद अब देखिए इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि इन स्ट्रीम एड्स को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, चाहे आप उसका स्टार्स को इनेबल कीजिए, तो उसके लिए आपके प्रोफाइल को लास्ट 30 डे यानी आपका 30 डे पुराना आपका प्रोफाइल या प्रोफेशनल मोड होना चाहिए। कम से कम आपका प्रोफाइल भी 30 डे का पहले का होना चाहिए, तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो हमारा 30 डे से पहले है तो हम इसको एलिजिबल करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा रूल देखिए, यू मस्ट पास रिमेन कंप्लेंट विथ फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और दोस्तों इसके मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आपको मानना होगा, जो फेसबुक के मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको आपको मानना होगा। जैसे आप दूसरे का वीडियो नहीं अपलोड कीजिएगा या कोई अनओरिजिनल कंटेंट नहीं अपलोड कीजिएगा जिससे कि फेसबुक के मोनेटाइजेशन को कोई उसमें त्रुटि हो जाए, तो वो आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, You must live in country that's eligible for in stream ads। और आपको उस कंट्री में एलिजिबल रहना चाहिए जो फेसबुक ने तय किया कि इन कंट्री में इन स्ट्रीम एड दे रहा है। तो दोस्तों इसमें इंडिया भी उस कंट्री में आता है इन स्ट्रीम एड्स में, आपको हम सबसे पहले वो दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स हम कुछ कंट्रीज है जो हम आपको दिखा देते हैं एलिजिबल वाला। यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना है, इस तरह से आप देखिएगा स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पर आपको इंडिया भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडिया भी दिख रहा है, मतलब इन स्ट्रीम एड्स इंडिया में भी मिलता है। तो चलिए ये तो हो गया कि हमारा ये दोनों जो है वो कंप्लीट है। पहला है कि हम फेसबुक के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और उसका कोई विरोध नहीं करते, और दूसरा हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसमें इन स्ट्रीम एड्स आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों हम अपना अभी फेसबुक दिखा रहे हैं जिसमें इन स्ट्रीम एड्स एलिजिबल नहीं हो रहा, और अभी एलिजिबल करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं और यहाँ देखिए मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिए, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट येट एलिजिबल, पहला स्टार मोनेटाइजेशन बोनस इन स्ट्रीम एड्स और सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों आज हम इसी को ना एलिजिबल कर रहे हैं इन स्ट्रीम एड्स, तो इसके लिए आगे आपका प्रोसेस बताएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टार्स इनेबल करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे में थोड़ा बैक कर लीजिए। तो दोस्तों बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से पूरा बैक हो गया और प्रोफाइल पे आ गया, और यहाँ से प्रोफाइल पे जाने के बाद तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है सीधे अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। बैक होने के बाद, बैक होने के बाद जैसे ही आप प्रोफाइल पे आ जाएगा ना तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, हमारा ये प्रॉब्लम ही है ना कि इन स्ट्रीम एड्स हमारे में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे आईडी में आ गया इन स्ट्रीम एड्स और हम एलिजिबल भी है, 30 डेज हमारा ओल्ड फेसबुक आईडी है और उसके बाद हम सब इसका फॉलो भी करते हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम इस पूरे रिपोर्ट में हम ये सभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कंटिन्यू टू रिपोर्ट, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, क्रिएट अ रिपोर्टिंग ऑन हो रहा है और यहाँ पे इंक्लूड इन रिपोर्ट, और हमको क्या आ रहा है प्रोफेशनल मोड, मतलब हम अपने पेज को प्रोफेशनल मोड में इसको कन्वर्ट किया है, तो हमको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्लिक तो कर लिए, ये आ गया हमारे में, तो इसको हमको नहीं रखना है। क्या करना उसका पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, किसका जो हमारे फेसबुक में जो इन स्ट्रीम एड्स है वो एलिजिबल है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और यहाँ पे अपलोड कर लेना। तो चलिए हम अपलोड कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप वो हम स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद अब क्या कर रहा है दोस्तों, ये ध्यान से आपको देखना। ये फोटो तो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्राइब द इशू, तो इस पे आपको क्या क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा कि आप कौन से इशू पे इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको फेसबुक देखेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम नीचे नहीं हो रहा लेकिन आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लिखे हैं, हेलो फेसबुक टीम, आई फॉलो ऑल फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड ऑल्सो लिव इन अ कंट्री दैट्स एलिजिबल फॉर इन स्ट्रीम एड्स, बट माई फेसबुक प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड इन एन स्ट्रीम एड्स इज नॉट वर्किंग, प्लीज रिसॉल्व माई इशू एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद क्या करना, नीचे आपको फेसबुक का लिंक कॉपी कर लेना, वहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके और वहाँ पे नीचे में आपको दिख जाएगा प्रोफाइल का लिंक, उसको कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देना। इस तरह से आपको पूरा लिख देना है। और दोस्तों, ये आप लिखना चाहते हैं तो वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आपको क्या करना पता है, यहाँ पे एक एरो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, उस पर आपको क्लिक करके और अपना प्रॉब्लम फेसबुक के पास शेयर कर देना। उसके बाद दोस्तों, ये आपके इन स्ट्रीम एड्स आप में एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आप एक बार ऐसे कीजिएगा तो आपका एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको सप्ताह में दो बार या तीन बार कर देना, एक सप्ताह में आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे ही हमारा इनेबल होगा, हम फेसबुक पे कम्युनिटी जो होता है पोस्ट, उस पर हम डाल देंगे और दोस्तों आप इस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो से बहुत हेल्प होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।